तो 8 में कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी की मैं बात करूं, एससी में आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है, सेम एसटी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है आपका। ओके, एग्जाम में आपकी कितनी स्टेजेस होती है, जो आपका न्यू पैटर्न है, अपडेटेड पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्स की स्टेजेस कितनी है, 3 स्टेज रहती है हमारी। सबसे पहली हो जाती है आपकी प्रीलिम्स, ओके, सेकंड होती है आपकी मेंस, एंड थर्ड रहती है हमारी इंटरव्यू। प्रीलिम्स में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, बट इसमें 2 पेपर रहेंगे आपके। ठीक है, पहला हमारा जीएस का पेपर रहेगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, एंड सेकेंड हमारा रहता है इसका सी सेट का। सी सेट में आपके जो जीएस, जो हमारा सेकंड वाला पेपर रहेगा प्री में, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100, 200 का आपका ईच पेपर रहता है। सेकंड मेंस की मैं बात करूं, मेंस में आपके 8 पेपर रहते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके मैं भी हमने बात करा था किस तरीके से पहले ऑप्शनल हुआ करता था, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के रहते थे, वो अब कमीशन ने हटा दिया, रिमूव कर दिया है। ऑप्शनल की जगह जो हमारे 2 आपके स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हमारे पेपर इंक्लूड किए गए। तो 8 पेपर रहते हैं आपके, एक ऐसे का पेपर हो जाता है, सारे पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, एक हमारा जनरल हिंदी का पेपर हो जाता है, ओके, देन हमारे जीएस के पेपर हो जाते हैं 4, अब तो जीएस के 6 हो गए, जिसमें कि आपके 4 जीएस के जो पहले हुआ करते थे, एंड आपके 2 जीएस के और ऐड हो गए हैं ऑप्शनल को हटा के, जिसमें आपका स्टेट से स्पेसिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरल स्टडीज के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, थर्ड हमारा आता है इंटरव्यू स्टेज, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं, ये आपकी लास्ट स्टेज होती है। अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, आप मेरिट लिस्ट में आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो हमारा इस बार की मैं बात करूँ, 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। 17 मार्च को हमारा एग्जाम इस बार कंडक्ट होने वाला है, 17 मार्च 2024 को इस बार हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें आपकी वैकेंसीज 220 वैकेंसीज है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे, ओके, हमारे कमीशन ने 220 वैकेंसी 2024 के लिए आपकी अनाउंस की है। बाकी देख लेते हैं हम, मिनिमम एज क्या रहेगी आपकी, जो एज है 1 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि आप फॉर्म किस में फिल कर रहे हैं, इस बार हमारे फरवरी में हमने फॉर्म फिल करे, ठीक है, तो हमारी जो 1 जुलाई तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 इयर्स ऑफ एज आपकी हो जानी चाहिए, एंड आपकी 40 इयर्स मैक्सिमम एज है। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड मतलब कि 21 से 40 के बीच में आप अटेम्प्ट दे सकते हो, जैसे यूपीएससी में हमारा रहता है कैटेगरी वाइज आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो टू दी मैक्सिमम एज। तो एज में कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी की मैं बात करूं, एससी में आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है, सेम एसटी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी में भी 5 साल का मिलता है, स्किल्ड प्लेयर होगा जैसे यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम्स में, उनको भी 5 साल का मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ यूपी इंक्लूडिंग टीचर स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परीक्षा गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय, इनको भी 5 साल का मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं इनको आपका 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ग्रुप बी की कुछ पोस्ट हो गई, जैसे इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर, एक्स आर्मी पर्सनल विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, इनको भी आपका 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपका। ठीक है, बाकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो फी का चार्ज रहेगा, मतलब जो फॉर्म का चार्ज रहता है वो 125 रुपये रहता है, 125, ओके, एंड हमारा एस सी एस टी के लिए कितना रहेगा, 65, और ये आपका अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 125 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ प्लूटस आईएएस में, हमारे न्यू बैच स्टेट स्पेसिफिक आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, 1 मार्च से हमारा प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डेमो क्लासेस आप ले सकते हो 26, 27, 28 एंड 29, 4 दिन आपकी डेमो क्लासेस चलेंगी, डेमो क्लासेस आपकी ऑनलाइन भी रहेंगी एंड आपकी ऑफलाइन भी रहेंगी। ठीक है, तो ऑफलाइन एंड मुखर्जी नगर ब्रांच में आके अपनी डेमो क्लासेस ले सकते हैं, ओके, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बहुत ही फी है, बहुत अफोर्डेबल है हमारी, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप अपनी स्टेट की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, यूपीपीसीएस मैं बात करूँ 2024 की तो नहीं हो सकती इस बैच में, बट अगर आपका टारगेट 2025 है तो आप डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, डेट वॉज ऑल फॉर टुडे टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।